हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं खुरमा। ये बस हम दो चीज़ से खुरमा बनाएंगे। हमने 500 ग्राम पनीर लिया है और 250 ग्राम चीनी। पनीर का हम आधा चीनी लेंगे और हम खुरमा बनाएंगे। ये बहुत अच्छा लगता है खाने में। चलिए हम बनाना स्टार्ट करते हैं। हम गैस पर एक कढ़ाई बैठाएंगे और इसमें चीनी डालेंगे। हम सारा इसमें ये देखिए, हमने सारा चीनी डाल दिया है इसमें। अब हम इसी कटोरी से चार कटोरी इसमें पानी डालेंगे। ये देखिए, ये देखिए हमने चार कटोरी पानी डाल लिया है। अब इसको हम बॉईल करेंगे। बस इसमें बॉयल आ जाएगा तो हम पनीर डाल देंगे इसमें। बस चीनी हमको पिघलाना है, चाशनी नहीं बनाना है इसका। हाई फ्लेम पे हम इसका चीनी पिघला लेते हैं और फिर पनीर डाल। ये देखिए हमारा अच्छे से एकदम बॉयल आ गया है पानी में। हमें चाशनी नहीं बनाना है, ये हम घर पे पनीर बनाए हैं। आप भी अगर खुरमा ट्राई करें तो घर पर ही पनीर बना के डालें। और ध्यान रखें, पनीर का पीस एकदम टाइट होना चाहिए, सॉफ्ट नहीं होना चाहिए। ये देखिए हमारा पनीर का पीस एकदम टाइट है। पनीर का पीस अगर टाइट नहीं रहेगा तो चाशनी में जो हमने चीनी और पानी का चाशनी बनाया है इसमें डालते ही हमारा पनीर एकदम खुल जाएगा। अब हम एक एक करके पनीर को डालते हैं। जहाँ बॉयल आ रहा है वहीं पर हम डालेंगे एक एक करके। ये देखिए हमने सारा पनीर को चाशनी में डाल लिया है। अब इसे हमें कुछ नहीं करना है, चलाना भी नहीं है। ये बनाने में हमारा टाइम 45 मिनट लगेगा। मैंने ये बहुत बार बनाया है तो मुझे टाइम पता है। अब इसे ढक के हम हाई फ्लेम पे 10 से 15 मिनट तक पकाएंगे। ये देखिए 10 मिनट हो गया है। हम थोड़ा थोड़ा ऐसे चला लेते हैं चारों तरफ से। ये देखिए हमारे पनीर का थोड़ा थोड़ा कलर चेंज हो गया है। जब तक से हमारा पनीर का कलर खुरमा का कलर जैसा नहीं आ जाता है तब तक से हम ऐसे ही बॉयल करेंगे इसे, ऐसे ही पकाते रहेंगे हाई फ्लेम पे। अगर हमारा पानी कम होगा तो हम बॉयल करके अलग से पहले बॉयल करके पानी इसमें डालेंगे। अभी पानी हमारा कम नहीं है। ऐसे ही ढक के हाई फ्लेम पे 10 मिनट तक और पकाते हैं। ये देखिए 10 से 15 मिनट हो गया है। हम फिर चेक कर देते हैं। ये देखिए हमारा पनीर का कलर एकदम चेंज हो गया है। अभी इसे हम और 10 से 20 मिनट तक ऐसे ही पकाएंगे। अगर पानी का क्वांटिटी आपका कम हो तो आप पानी को बॉयल करके इसमें डाल सकते हैं। हमारा पानी एकदम ठीक है। अब हम इसे ढक के और 20 मिनट तक ऐसे ही पका लेते हैं। ये देखिए 20 मिनट हो गया है हमारा। चाशनी हमारा एकदम गाढ़ा हो गया है। अब इसे हम ढकेंगे भी नहीं और छोड़ेंगे भी नहीं, थोड़ा देर के लिए भी चलाते रहेंगे। अब ऐसे ही में हमको खुरमा का कलर लाना है चलाते हुए। थोड़ा सा भी इसे छोड़े ना, नहीं तो जल जाएगा। इसे चलाते रहें ऐसे। ये देखिए हमने 10 मिनट तक ये प्रोसेस किया है चलाने वाला। आप भी ऐसे ही 10 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे ऐसे ही चलाते रहें। ये देखिए हमारा खुरमा का कलर एकदम आ गया है, जैसा कलर होना चाहिए। अब हम गैस बंद कर देंगे और इसे सर्विंग प्लेट में निकाल लेते हैं। ये देखिए अब हम सर्विंग प्लेट में निकालेंगे एक एक करके।
ये देखिए हमने सर्विंग प्लेट में निकाल लिया है। ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है देखने में। ये देखिए ये अभी बहुत गर्म है तो हम हाथ से तो छू नहीं सकते, लेकिन हम दिखाते हैं ये कितना स्पंजी बना है। ये देखिए कितना अच्छा से स्पंजी बना है। ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है अंदर से एकदम। देखिए जाली जाली जैसा हो गया है हमारा, कितना अच्छा से स्पंजी हो गया है। ये देखिए कितना अच्छा से सीरा अंदर गया है। ये देखिए कितना अच्छा से स्पंजी हो गया है अंदर। अगर खुरमा में जाली जाली जैसा हो जाए तो समझिए कि हमारा खुरमा एकदम दुकान जैसा बना है। ये देखिए एकदम दुकान जैसा लग रहा है देखने में। अगर हमारा खुरमा का रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें।